पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्ला है हकीकत क्योंकि पाकिस्तान के तो आईन में ये बात है, सबसे पहली शिकी यही है कि हाकिम आला कौन है, अल्लाह है। वज़ीर आज़म भी असल हाकिम नहीं, सदर भी असल हाकिम नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी असल हाकिम नहीं, असल हाकिम कौन है, अल्लाह है। तो ये तो शुरू ही कहाँ से हो रहा है, मौलवी पने की इंतहा कर दी कि नहीं कर दी? आवाज़ गूंज रही है, आप थोड़ा सा लिबरल बन जाए ना ये तो मौलवियों वाले काम किया आपने, स्पीकर तो ऐसे मौलानाओं के माइक होते हैं, थोड़ा लिबरल जो टाइप के लोग होते हैं उनके तो बड़ा ख़ानदानी किस्म के माइक रखे हुए होते हैं। आवाज़ मेरी आवाज़ गूंज के मेरे कानों में आ रही है। तो पाकिस्तान तो फिर मुल्लायत की इंतहा को पहुंचा हुआ है, आइन में है कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनेगा। वो अलग बात है कि जो गलत कानून बनाना होता है कुरान सुन्नत की छाप लगा के उसको चला देते हैं, लेकिन बहरहाल बेस तो अच्छी है ना। नाम का हिस्सा है इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, इस्लाम नाम में शामिल है। वो लोग मुझसे कहते थे कि वो जिस मुल्क का वो क्या नाम था भूल जाता हूँ, कुरुवल्ला जिन्होंने गलत पढ़ी थी, रहमान मलिक, उनका होता क्या था, वज़ीर दाखला जो हैं वो कुलवल्ला गलत पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा इस्लामी मुल्क है? तो मैंने उनसे कहा कि इस्लामी मुल्क है, तभी वज़ीर दाखला जिसको कुलवल्ला नहीं भी आती पढ़ने पर मजबूर है वो, वरना उसको क्या ज़रूरत ही पढ़ता। मनफी सोचोगे ना तो हमेशा उल्टा सोचते रहोगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि कभी सीधा सोचने में खुशी नहीं महसूस होती, उल्टा हमेशा क्या करेंगे, सोचेंगे, मुल्क के मनफी पहलू निकालेंगे, शख्सियतों के मनफी पहलू। भाई दो पहलू निकलते हैं, अच्छा भी निकाल सकते हो और बुरा भी। तो अच्छा पहलू निकाल लो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी थोड़ी है इस पर, खुश भी हो जाओगे, खून बढ़ जाएगा, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, अल्लाह भी खुश हो जाएगा कि बदगुमान नहीं होता, अच्छा पहलू तलाश करता है। मनफी पहलू तलाश करोगे अल्लाह भी नाराज़, अल्लाह को नेगेटिविटी पसंद है, नफ़रतें भी फैलेंगी, मुल्क के ख़िलाफ़ दुश्मनी भी फैलेगी जिससे अपना ही नुकसान होगा और सेहत भी ख़राब होगी, हर वक्त कुड़ता रहेगा भाई ये क्या हो रहा है भाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाएगा थोड़े दिनों में। अच्छा सोचो। तो मुझे कहने लगे कि मुल्क का वज़ीर दाखला जिसको कुल अल्लाह पढ़नी नहीं आती, आप मिंबर पे बैठ के उस मुल्क को डिफ़ाइन करते हो कि वो क्या है, इस्लामी कंट्री। मैंने कहा यही तो इस्लामी होने की अलामत है, ख़ानदानी होने की अलामत है, कुलवल्ला नहीं भी आती फिर भी पढ़ो, ये इस्लामी मुल्क है, ये लिबरल नहीं है कि ऐसे ही चला देंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप को भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, आज गलत पढ़ी आइंदा सीख के आना। तो और रहमान मलिक से भी मुझे कोई बदगुमानी नहीं हुई, नहीं आती कोशिश तो की ना, वो कन्नी कतरा के निकल जाता, भाई मुझे नहीं आती, चलो यार जितनी दो लफ्ज़ तो आ गए ना। तो मेरा मिजाज ये है कि ऐसे मौके पे कोई गलत पढ़ रहा हो तो हंसना नहीं चाहिए उसके ऊपर, ये गलत बात है, उसकी इसलाह करनी चाहिए। तो खैर